अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सब का खैर मकदम है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार चिकन बॉक्स पैटिस। जी हाँ, चीज़ से भरपूर। तो चलिए झटपट से फिलिंग बनाएंगे। तो मैं पैन में डाली हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल और साथ में हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम्स बोनलेस चिकन। चिकन को बिल्कुल अच्छे से वॉश करके मैंने इसके छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। अब हाई फ्लेम पे हम इसे तकरीबन 2 मिनट इसी तरह कुक करेंगे ताकि चिकन के अंदर जो महक होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। तो ये देखिए, चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसमें हम मसाले मिलाएंगे। तो मैं इसमें मिला रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके साथ में इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काले मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून ही मैं मिला रही हूँ चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो सिर्फ लाल मिर्च पाउडर भी मिला सकते हो। और साथ में मिलाएंगे इसके अंदर और इसे बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, फ्लेम को मैंने मीडियम कर दी हूँ। इसे बिल्कुल अच्छे से हम कुक करेंगे। अब हमें चिकन को गलाना भी है, तो यहाँ पर अब मैं इसमें मिला रही हूँ थोड़ा सा पानी और पानी डालकर इसे ढक के हम तकरीबन 5 से 6 मिनट पका लेंगे ताकि चिकन हमारी टेंडर हो जाए। तो चलिए 5 मिनट बाद इसे चेक करते हैं। तो तकरीबन मैंने इसे 6 मिनट कुक कर ली हूँ और इसे देखिए हम चेक करते हैं। तो ये देखिए, चिकन हमारी अच्छे से गल चुकी है और पानी जो है इसको फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई कर देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और इसके अंदर अब हमें सॉसेस मिलाने हैं। तो यहाँ पर मैं मिला रही हूँ 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून मिलाएंगे विनेगर या नींबू का रस भी मिला सकते हैं और 1 टेबल स्पून टमाटो केचप। इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन में सॉसेस अच्छे से हमारे कोट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ स्प्रिंग अनियन। थोड़ी सी हमने इसमें स्प्रिंग अनियन डाल दी और तकरीबन 2 टेबल स्पून ही हम उसमें मिला देंगे स्वीट कॉर्न और इसे हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे। तो ये देखिए, फ्लेम को मैंने थोड़ी हाई कर ली और बस इसे अच्छे से हम 1 मिनट के लिए कुक कर देंगे, काफ़ी है। तो ये बिल्कुल अच्छे से हमारी चिकन की फिलिंग तैयार हो गई है। अब फ्लेम को ऑफ करके इसे हम बोल में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। तो ये हमारी बॉक्स पैटिस की फिलिंग तैयार है। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हूँ, ब्रेड बिल्कुल फ्रेश है हमारा। इसके हम किनारे निकाल देंगे और इन किनारों को हम ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इसका हम ब्रेड क्रम तैयार करेंगे। तो ये मैंने ब्रेड के किनारे तमाम निकाल लिए और इसे हल्का सा बेल लेंगे। ऐसा करने से बॉक्स पैटिस बनाने में काफ़ी आसानी होती है। तो तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने इस तरह बेल ली हूँ और इसके किनारों पर अब हम लगा देंगे हल्का सा पानी। आप हाथों की मदद से यानी उंगलियों से भी पानी लगा सकते हो। ये मैंने पानी चारों किनारों पर दोनों ब्रेड के दरमियान में रखेंगे। 1 टेबल स्पून चीज़, ये मैं मोज़रेला चीज़ ले रही हूँ। चीज़ को मैंने ग्रेट कर दी हूँ। आप इस पैटिस को चीज़ के बगैर भी बना सकते हो। और इसके ऊपर मैंने रख दी 1 टेबल स्पून चिकन की फिलिंग और फिर दोबारा से थोड़ा सा हम चीज़ रख देंगे। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं और स्लाइस से इसे बिल्कुल अच्छे से पैक कर लेंगे। हमने किनारों में पानी लगाया था तो बिल्कुल आसानी से ये जो बॉक्स पैटिस सील हो जाते हैं। ये देखिए, घबराएंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। ये देखिए, और बाद में इसे हम कोट भी करेंगे तो ये और परफेक्ट जो है सील हो जाएंगे। तो ये हमारा बॉक्स पैटिस तैयार है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट। अब इसकी हम कोटिंग तैयार करते हैं। तो ये ब्रेड के जो किनारे हमारे थे इसे हम मिक्सी जार में डालेंगे और इसे हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो रेडीमेड ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन ये ज़ाया हो जाएंगे, तो इसलिए ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। तो ये देखिए, इसे हम चले ग्राइंड करके लाते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट से हमारे ब्रेड क्रम तैयार है। यहाँ पर 2 अंडों में मैंने तकरीबन 4 चमचे दूध मिला के बिल्कुल अच्छे से इसे फेंट लिया है। अब जो हमने ये जो बॉक्स पैटिस तैयार किए इसे हम बिल्कुल अच्छे से अंडे में डिप करेंगे। ये देखिए, और अब इसे हम ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे। तो ये ब्रेड क्रम से हम कोट कर लेंगे। गीले हाथ में आप लगाओगे तो ब्रेड क्रम जो है हाथों में ही सारा चिपक जाता है। तो पहले हम स्पून की मदद से इसे अच्छे से कर लेंगे और फिर सूखे हाथ की मदद से इसके किनारों को बिल्कुल अच्छे से सील कर देंगे। तो चलिए, अब इसे हम फ्राई करते हैं। तो ये हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। याद रखिए, आप इसे ठंडे तेल में बिल्कुल ना तलें क्योंकि अगर आपका तेल ठंडा होगा तो ये ब्रेड जो है ऑयल को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेंगे और बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो ऑयल जब अच्छा गर्म हो जाए तब इसे फ्राई करें और इसे अलट पलट करके बिल्कुल अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन रंग आने तक फ्राई कर लें ताकि ये बाहर से बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए,
चिकन की फिलिंग ऑलरेडी हमारी अंदर की कुक है, तो इसीलिए हमें इसे स्लो फ्लेम पर फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे चिकन मायो बॉक्स पैटिस बहुत ही मज़े के परफेक्ट फ्राई होकर तैयार है। तो चलिए इसे निकालते हैं और इसका फाइनल लुक भी मैं आपको बताती हूँ कि ये अंदर से कितने लाजवाब नज़र आते हैं। तो लीजिए तैयार है चिकन बॉक्स पैटिस। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ी क्रीमी, और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ये देखिए कितने शानदार हमारे ये तैयार हुए चिकन बॉक्स पैटीज। तो अब देर किस बात की, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक करें। अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखें, और साथ में हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।